नमस्कार, आप देख रहे हैं फ्रेंड्स टाइम न्यूज, सच और कुछ नहीं। मैं लक्ष्मी शर्मा, देखिए एक सनसनी खेज। कपिल वस्तु महोत्सव की छठी रात पाई डंडा नृत्य से गुलजार रहा बुंदेलखंड के कलाकारों ने जबरदस्त नृत्य के जरिए माहौल की गरिमामयी कर दिया। छोटी छोटी बच्चियां प्रस्तुतियां अतिथियों को ताली बजाने पर मजबूर किया। कपिल वस्तु महोत्सव की छठी रात पाई डंडा नृत्य से गुलजार रहा बुंदेलखंड के कलाकारों ने जबरदस्त नृत्य के जरिए माहौल की गरिमामयी कर दिया। छोटी छोटी बच्चियां प्रस्तुतियां अतिथियों को ताली बजाने पर मजबूर किया। कपिल वस्तु महोत्सव की छठी रात पाई डंडा नृत्य से गुलजार रहा बुंदेलखंड के कलाकारों ने जबरदस्त नृत्य के जरिए माहौल की गरिमामयी कर दिया। छोटी छोटी बच्चियां प्रस्तुतियां अतिथियों को ताली बजाने पर मजबूर किया। रमेश पाल जी द्वारा दीवारी की किताब एक बार तालियों के गड़गड़ाहट से आए हुए कलाकारों को सम्मान जरूर मिला जी। ये बड़े गरीब परिवार से बच्चे हैं जिन्होंने अपने कला के द्वारा राष्ट्रपति पदक तक पा लिया, राष्ट्रपति अवार्ड इन लोगों को मिला। ये सम्मानजनक बात है कि गांव में कैसे कला, आदिवासी कलाओं को ये शहर से जोड़ रहे हैं। कि आज की शाम जैसे कि पाई डंडा थी, काफी दूर से चल के आए हैं, वो हैदराबाद से अजीब से इस्तेमाल के जो भी कलाकार यहाँ पे आ रहा है उनका एक दिन पहले कोई ना कोई शो लगा रहता है। मैंने चांद भाई से पूछा, चांद भाई कहाँ पे है, तो बोले मेरा तो जोरदार ताली बजा के प्लीज वेलकम टू यू हायर टुगेदर और निजामी पदो। आज की खबरों में बस इतना ही। बने रहिए हमारे साथ फ्रेंच टाइम न्यूज, सच और कुछ नहीं।